प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के रविवार को 100 एपिसोड पूरे हो गए। इस बार ऐतिहासिक एपिसोड को यादगार बनाने के लिए देश में जगह जगह इसकी लाइव स्क्रीनिंग की गई। वहीं राजधानी शिमला में भी नेता प्रतिपक्ष, भाजपा विधायकों, वरिष्ठ भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित जनता ने इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने अपने विचार मीडिया से साझा किए। मैं तो 30-35 साल से शिमला में हूँ, उससे पहले से जब दौलतराम चौहान जी यहाँ कभी चुनाव लड़ते तब भी हम छोटे छोटे तब हम सुनते थे कि कोई हिमाचल में एक सीट जीतेगी तो शिमला जीतेगी। तो भारतीय जनता पार्टी राम बाजार लोअर बाजार में बहुत मजबूत होने के बावजूद भी कॉरपोरेशन का चुनाव हम 10 साल से नहीं जीते। उसके कारण जो पार्षद की एक कमी, क्योंकि पार्षद के माध्यम से ही हमारा जो छोटा काम है वो होता है, गली है, नाली है, कोई बिजली का काम है, कोई पानी का काम है, कोई सैनिटेशन का काम है, छोटे छोटे काम हम पार्षद के माध्यम से ही करते हैं। लेकिन उस कमी को पिछली बार जब हमारी सरकार थी, यहाँ से हमारे जो स्थानीय विधायक थे, जो मंत्री भी रहे, उनके माध्यम से उन कमियों को यहाँ के अनीता जी ने या बाकी सब लोगों ने मिल करके ठीक करने का प्रयास भी किया। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि परसों यहाँ चुनाव हैं और आज और कल का दिन है, आप सब लोगों से करवत निवेदन है कि आप सब लोग एक बार इस बार से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी हैं सुनंदा कौल, वो भी अपने बूथ पर बैठकर के ऐसे कार्यक्रम देख रही हैं, नहीं तो वो आ सकती थी, लेकिन अपने अपने बूथ पर सब लोग हैं। तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि एक बात सही है कि जब कोई आदमी अच्छा काम करता है उसको शाबाशी मिलेगी, उसके काम को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तो लोग कहीं ना कहीं, लोगों को भी लगता है और काम करने वाले को भी लगता है कि मुझे और अच्छा काम करना चाहिए। तो मेरा आप सबसे करवत निवेदन है कि हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो हमारी उम्मीदवार है श्रीमती सुनंदा करोल जी, उनको अपना समर्थन दें। आप अपने आस पड़ोस में, अपने आस पास, अपने पूरे शिमला शहर में जो हमारे जानने वाले उन सबको भी कहें। और आज सबसे निवेदन है कि हम सब ने कार्यक्रम बनाया होगा कि हम इस बूथ के, सिर्फ अपने बूथ के, जो अपने घर हैं उनमें जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। आज मन की बात प्रोग्राम जो है ये आकाशवाणी रेडियो पे प्रसारित किया जाने वाला प्रोग्राम है। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के ऊपर आएंगे और मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी बच्चे आए हैं जो आज इस प्रोग्राम को देखेंगे। आज ये 100वां एपिसोड है जिसके तहत मैंने अपने घर पे छोटा सा प्रोग्राम रखा है, जिसे आप सब लोग जानते हैं कि मन की बात में नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छी जानकारी लोगों को देते हैं, जो हमारे देश के अंदर लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं उनके इसके ऊपर लाइव दिखाया जाता है, जैसे कि पानी की बचत करना, खेती बाड़ी करना, किसानों के लिए नई नई योजनाएँ लाना और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े सब प्रोग्राम इस कार्यक्रम के तहत दिखाए जाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज 100वीं एपिसोड के ऊपर मेरे साथ मेरे आसपास के बच्चे व परिवार के बच्चे इस प्रोग्राम को लाइव देखेंगे। और आज आपको बड़ी खुशी होगी कि ये जो प्रोग्राम है ये 4 लाख सेंटरों पे सीधा प्रसारण इसका जो लोगों को देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।